तो भाई साहब ये देखो, चार चार फुट का बाहुबली स्लेंटा डोसा। अब उतार के इसको रखा जाएगा प्लेट के ऊपर, तवे के ऊपर जो है बैटन डाला जा रहा है बाहुबली स्लेंटा डोसा बनाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया एकदम जबरदस्त तरीके से फुल स्पीड के साथ जो है ना ये बैटन को फैला रहे हैं, पूरा रगड़ा दे रहे हैं तवे के ऊपर, रगड़ रगड़ के। कितने साल हो गए रगड़ते हुए? 12-13 साल हो गए। तो 12-13 सालों से रगड़ रहे हैं ये, पूरा रगड़ा दे के ना। अब जो रगड़े के ऊपर एक्स्ट्रा बैटर था ना उसको ये उतार रहे हैं बढ़िया तरीके के साथ एकदम, और फ्लेम को जो है तेज कर दिया गया है ताकि ये पूरा लाल हो जाए। तो भैया इसके अलावा और क्या क्या बना लेते हो आप? बहुत सारा आइटम बना लेता हूँ साउथ इंडियन का। साउथ इंडियन का भाई हमारा इतना इंटेलिजेंट है ना, जो बाहुबली स्लेंटा बना रहा है यहाँ पर, वो भी 4 फुट का। अब देखना ये है कि कितना परफेक्ट बनता है, क्योंकि जितना बड़ा ये है ना मुझे नहीं लगता कि ये साबुत जो है तवे पे से बाहर आ जाएगा। तो ये देखो अभी स्लेंटे को जो है ना ऊपर उठाने की तैयारी की जा रही, क्योंकि ये ना पक चुका है अच्छे तरीके से। और कहा जाता है इसको देख के ना कोई डर जाता है, कौन डरता है भैया जरा इधर बता दो। बाहुबली सर, बाहुबली बाहुबली डरता क्यों है? और अब देखना ये है मेन चीज जो है ना वो यही है कि ये फोल्ड करते हैं कहीं टूटेगा तो नहीं या कहीं ये ब्रेक नहीं करेगा। ये देखो भाई साहब साबुत का साबुत जो है ना सलेंटा हो गया तैयार। ये देखो अब उतार के इसको रखा जाएगा प्लेट के ऊपर। तो अब आपको सीधी ना टेस्टिंग दिखाते हैं इस सलेंटे की सांभर के साथ, और दिखाते हैं क्या क्या सर्व किया जाता है। और ये देखो इस सलेंटे को जो है ना रखा जा रहा है भाई साहब 2 प्लेटों के ऊपर। एक सलेंटा पहले बना हुआ था, एक सलेंटा अब बन गया हुआ है। दो दो सलेंटे 4-4 फुट के प्लेट के ऊपर आ गए हैं। अब सीधा बाहर लेके चलते हैं इसको और दिखाते हैं साथ में सर्व क्या किया जाता है। तो भाई साहब ये देखो 4-4 फुट का बाहुबली स्लेंटा डोसा जो कि हो चुका है बन के तैयार। अब इस बाहुबली स्लेंटे को टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा बाहुबली डोसा स्लेंटा जो है वो बनके तैयार हो चुका है। और इसकी लेंथ चेक करो, इस एक डोसे की इतनी लेंथ है कि कम से कम 2 से 3 लोग जो है ना वो इसको पेट भर के खा सकते हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो सांभर दिया गया है ना और जो चटनियाँ दी गई हैं वो दिल खोल के जी खोल के सर्व की जाती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कस्टमर को क्वालिटी देंगे तो कस्टमर आएगा। और पूरी क्वालिटी, साफ सफाई, पूरा हाइजीन का ध्यान रख के जो है यहाँ पे प्लेटिंग की गई है, चीज़ें बनाई गई हैं। और जो देख के सांभर को अरोमा आ रहा है ना भाई साहब, ये देखो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप भी कभी पंचकुला में आ रहे हो ना तो पंचकुला में आके नायडू साउथ इंडियन फूड के पास आकर ये डोसा जो है ज़रूर ट्राई करना, और हमें बताना ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों को हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। तो हम अपना डोसा ख़त्म करते हैं, इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फूड फाउंडर।